इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि कहानी में सस्पेंस है और लास्ट तक देखेंगे तो ही मजा आएगा। कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से, राजीव और सूरज से। आज रात में सूरज को किसी काम से अपने फैमिली के यहाँ जाना था, इसलिए वो सारी तैयारी दिन में ही कर लेता है और रात होते ही वो अपने फैमिली के यहाँ निकल जाता है। उस दिन अमावस्या की रात थी, चारों तरफ अंधेरा और सुनसान सड़क पर सूरज की दौड़ती हुई गाड़ी रात के सन्नाटे को भंग कर रहा था। तभी सूरज अचानक से हड़बड़ा कर ब्रेक लगाता है। वो देखता है कि सड़क पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है। वो गाड़ी से उतरकर गड्ढा में झांकने लगता है, लेकिन तभी उस गड्ढे से एक बड़ा सा भयानक हाथ निकलता है और सूरज पर हमला करता है। लेकिन सूरज बच जाता है और हड़बड़ाते हुए अपने गाड़ी में आकर बैठता है और वापस अपने घर की तरफ भागने लगता है। उसे वापस अपने घर आते आते सुबह का समय हो गया था और जब वो लौट रहा था तो राजीव भी उसे रास्ते में ही मिल जाता है। राजीव भी थोड़ा घबराया हुआ था। सूरज पूछता है कि तुम क्यों घबराए हुए हो, तो वो बताता है कि जब वो सुबह में घूमने गया था तो उस पर किसी ने हमला किया, लेकिन जब वो पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसे थोड़ा घबराहट हुआ और वो अपने घर की तरफ आ रहा था, तभी उसे सूरज बीच में मिल गया। सूरज भी अपने साथ घटे घटना राजीव को बताता है, पर दोनों दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एक ही रात में दोनों दोस्त पर हमला कौन किया है। जब वो घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस रात उनके पास वाले गांव से एक आदमी गायब हो गया है। दोनों घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये उस दानव ने ही किया होगा जो उन दोनों पर हमला किया था। दोनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं और रात हो जाती है। लेकिन आज रात फिर एक आदमी सूरज और राजीव के गाँव से ही गायब हो जाते हैं। और जब दोनों सुबह उठते हैं और देखते हैं कि एक और आदमी गायब हो गया है तो वो दोनों घबरा जाते हैं। वो दोनों अपने साथ घटी घटना पूरे गाँव को बताते हैं और धीरे धीरे दानव वाली बात इनके गांव से दूसरे गांव में भी फैलने लगता है। अब तो रोज का हो गया था, हर दिन कोई ना कोई आदमी किसी न किसी गांव से गायब हो ही जाता था। इसलिए सूरज और राजीव ने एक प्लान बनाया। वो सोचते हैं कि क्यों ना आज रात छुपकर देखा जाए कि वो दानव कैसा है, और अगर पता चल जाता है कि वो कैसा है तो उसे पकड़ने का उपाय भी लगाया जाएगा। वो दोनों रात होते ही किसी सुरक्षित जगह पर छिप कर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे रात गहरी होती चली गई। रात के करीब 1 बजे होंगे, तभी सूरज राजीव से कहता है, राजीव जिस दिन मेरे ऊपर हमला हुआ था उस दिन मैं सुबह में अपने घर लौट रहा था और तुम मुझे रास्ते में मिले थे, लेकिन तुम्हारे हाथ और बालों में खून कैसे लगा हुआ था? ये कहकर सूरज पीछे मुड़ता है और पीछे का नजारा देखकर सूरज के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। वो देखता है कि राजीव एक दानव में बदल चुका है। उसके लंबे लंबे नाखून, लाल आंखें और दानव जैसी दांत बहुत ही भयानक लग रहा था। तभी एक जोर की चीख पूरे गांव में गूंज जाती है। आपको कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।